वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। और ये सेक्शन लास्ट सेक्शन रहेगा, जितने भी सीरीज थे इस चैप्टर के यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चैप्टर होप करता हूँ कि बहुत ईजी जा रहा है, अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन तक हमने एंजियोस्पर्म का जनरल मीनिंग और क्यों उसको एंजियोस्पर्म कहा गया था और उसके अंदर जो दो टाइप्स थे वो हमने स्टडी कर लिए थे। ठीक है, अब बचा है उसके टाइप को थोड़ा सा हमें डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो उसका डिटेल में स्टडी करना है मतलब मैंने आपको बता दिया था कि उसके डिफरेंसेस को आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसके रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, स्टेम में क्या डिफरेंस होता है, लीव्स में क्या डिफरेंस होता है और जितने भी उसके बॉडी के पार्ट्स हैं हर एक पार्ट्स में क्या डिफरेंसेस होता है वो आपको नजर देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म, शायद ये पार्ट इतना ऊपर नहीं दिखता होगा आपको तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। एंजियोस्पर्म बेटा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। कौन कौन से दो पार्ट्स है? तो एक पार्ट का नाम है मोनोकॉट और दूसरे पार्ट का नाम है डाइकॉट। ठीक है, टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहला पार्ट जो दिया है वो डाइकॉट दिया है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो तो मैं भी वैसे ही पैटर्न में लिखता हूँ, और सेकेंड आपको मोनोकॉट दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है पता है, एग्जाम में डिस्टिंग्विश पूछता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, और जब आप सब बीच में लाइन पढ़ के मांग बना के मस्त डिजाइन मार के लिखते हो तो एग्जाम में पूछा है डाइकॉट एंड मोनोकॉट और आप लिखते क्या हो, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हो। जो ज़्यादातर रट्टा मार के लिखते हैं वो तो कन्फर्म इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको समझना है कि पूछा क्या गया है आपको, उसी के बेसिस पे आप लोग इसका आंसर लिखोगे। चलिए देख लेते हैं डिस्टिंग्विश का। तो डिस्टिंग्विश में बेटा हर एतबार से डाइकॉट मोनोकॉट से अलग होता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट सेक्शन में आपको बता दिया था उसके सीड्स के बारे में कि डाइकॉट का सीड जो होता है, डाइकॉट का जो सीड है इसके अंदर दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। ओके, और मोनोकॉट का जो सीड है इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है। तो ये इसका डिस्टिंक्ट हो गया कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सीड। ठीक है, अब अगर मैं रूट्स की बात करूं, रूट्स, तो रूट्स में डाइकॉट प्लांट जो होते हैं इसके पास आपको मिलेगा टैप रूट। ठीक है, कौन सा रूट मिलेगा? टैप रूट। और मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं इसके पास आपको मिलेगा फाइब्रस रूट। अब क्या होता है टैप रूट और क्या होता है फाइब्रस रूट? टैप रूट लाइक जैसे कि ये प्लांट है, ये अर्थ का सरफेस है, ओके, लैंड है, और टैप रूट जो है इस तरीके से नीचे टैपरिंग करेगा और इसमें से निकलेंगे इस तरीके के सब रूट्स। ओके, तो ये जो मेन है इसको बोलेंगे प्राइमरी, उससे जो जुड़ के निकला वो सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो जुड़ के निकला वो टर्शरी और इन लाइकवाइज उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपको रूट्स देखने के लिए मिलेगा टैप रूट सिस्टम में। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आपने देख लिया, ये हो गया टैप रूट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा डाइकॉट के प्लांट में। ठीक है, तो जस्ट बाय सेइंग द रूट्स यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट द प्लांट इज मोनोकॉट और इट इज डाइकॉट। फाइब्रस के फॉर्म में रूट सिस्टम ऐसा नहीं होता है। अगर ये स्टेम यहाँ पे आके एंड हो गया तो यहीं से कंटिन्यूस फॉर्म में कुछ इस तरीके से आपको रूट्स नजर आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइब्रस काइंड ऑफ रूट। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग काइंड का रूट नहीं होता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग टाइप का रूट्स होता है। ठीक है, इसको इजीली आप उखाड़ सकते हो, ऐसे वाले को, ग्रास को आपने देखा रहेगा सब खींचा निकल गया। ओके, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता,
हाँ बट स्ट्रांग रहता भी है, बट कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ये वाला ज़्यादा स्ट्रांग है। तो टैप रूट सिस्टम डाइकॉट के पास होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो मोनोकॉट के पास होगा। ठीक है, तो ये हो गया रूट्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं डिस्टिंग्विश का, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्टेम। इसका स्टेम में बहुत डिफरेंस होता है। डाइकॉट फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ कर दिया मैंने मैंगो, ओके तो ये मैंगो का ट्री है, करेक्ट। मैंगो का ट्री का जो स्टेम आपने देखा है कितना वुडी होता है, ओके हिलाना तो दूर, आप अगर उसको काटना चाहोगे तो भी जल्दी कटता नहीं है। वेयर एज अगर मैं मोनोकॉट की बात करूँ, जैसे कि आपने बाम्बू देखा होगा, देखा है ना बाम्बू, तो ये बाम्बू है बैम्बू, ओके तो इसके यहाँ पे ये नोड्स होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगे लीव्स, ओके तो जब ये बैम्बू प्लांट ग्रो होता है वो टाइम पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बैम्बू के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे अंदर से एक होल होता है, कैविटी होती है, ठीक है। तो जो कड़क पार्ट दिख रहा है वो खाली उसका पेरिफेरल सरफेस है, अंदर से तो वो खोखला ही है ना, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि ये ढक्कन है, ओके कैप है मार्कर का, ऊपर से तो एकदम कड़क है हार्ड है, बट अंदर से उसके अंदर कैविटी है जिसके अंदर ये मूव कर सकता है, ओके वैसे ही बैम्बू के अंदर कैविटी होती है, करेक्ट, समझ में आ गया। तो अगर कंपेयर करूँ दोनों को तो ये वाला स्ट्रांग है, ये वाला वीक है, ये हार्ड है, ये थोड़ा अंदर से सॉफ्ट है, ओके हवा आने से बैम्बू जो है वो झुक भी सकते हैं। बैम्बू थोड़ा अच्छा एग्जांपल, मतलब थोड़ा हार्ड होता है, इसके अलावा लाइक मेज के प्लांट है या ग्रास है, तो ऐसे प्लांट हवा को रोक भी नहीं सकते, मतलब अपने आप को रोक नहीं सकते हवा में, हवा जिस तरफ उसको मोड़ दे उसको उस तरफ मुड़ना पड़ता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट इसके अंदर इतना अच्छा नहीं होता है। वेरस आंधी के बाद, तूफान आने के बाद भी आपको जो मैंगो का ट्री है वहीं पर नजर आएगा, अगर ज़्यादा बड़ी आंधी है तो उखाड़ के वो लेके चले जाएगा वो बात अलग है, बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये से इससे ये स्ट्रांग है और ये वाला वीक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टेम। स्टेम के बाद हमें स्टडी करना है लीव्स, तो आ जाइए लीव्स के एग्जांपल पे। चलिए तो देख लेते हैं कि डाइकॉट में और मोनोकॉट में क्या डिफरेंस होता है लीव्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लीव्स ले लिया है, एज यू कैन सी द लीफ ओवर हियर, ओके अब इस लीफ को अगर मैं थोड़ा सा टियर करूँ तो ये टियरिंग एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, एज यू कैन सी ये जो मैंने टियरिंग किया है एकदम स्ट्रेट हो रहा है टियरिंग। तो जब ये टियरिंग स्ट्रेट होगा तो बेटा ये मोनोकॉट है, ठीक है, टियरिंग स्ट्रेट होगा तो ये मोनोकॉट है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल दूसरे लीफ का लिया है, एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पर टियरिंग करता हूँ तो इसका टियरिंग जो है ये स्ट्रेट नहीं होने वाला है, ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी होता है। तो जब ये आड़ा टेढ़ा कैसे भी टियरिंग होगा तो देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये जो है मोनोकॉट है और दूसरा वाला जो है डाइकॉट है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ओके चलिए तो इसको मैंने यहां पे स्टिक कर दिया है और डाइकॉट को मैंने यहां पे स्टिक कर दिया, ठीक है। तो ये दो लीव्स आपको नजर आ रहे हैं मोनोकॉट के और डाइकॉट के, इसके कैरेक्टर्स हम इसको देख के ही स्टडी करेंगे कि ये एक्चुअली है क्या चीज, ओके चलिए। मोनोकॉट और डाइकॉट का डिस्टिंग्विश में बहुत इंपॉर्टेंट है लीव्स का स्ट्रक्चर। मार्कर कहाँ चला गया, ओके इधर रख दिया है। इसका जो लीफ है, ओके लीव्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे कुछ मार्जिन्स दिख रहे हैं, इसको वीन्स कहते हैं, ओके आई होप यू कैन सी दैट। अब ये जो सिस्टम है जो बीच में एक लाइन गई है और यहाँ से और ऐसे 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 पैटर्न्स निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेनेशन, लिख देता हूँ मैं,
वेनेशन, ठीक है। तो वेनेशन आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, ओके। इसका बेटा जो वेनेशन एकदम स्ट्रेट है, पैरेलल है, ओके। इसका वेनेशन पैरेलल है, इसके अंदर जो इसका वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन नहीं है, दैट वेनेशन इज अ रेटिकुलेट टाइप वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। वेरेज अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें लीफ का सरफेस एकदम पैरेलली, एज यू कैन सी बनाना के लीफ में भी आप देख सकते हो, ठीक है, एकदम बराबर, कहीं से भी आप उसको टियर करो बराबर इक्वल साइज का फटते हुए चले जाएगा, वो कहीं भी आड़ा टेढ़ा नहीं होता है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन समझ में आ गया, वेनेशन का मतलब, ठीक है। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, इसके अंदर एकदम नेटवर्क के फॉर्म में वीन्स और वीनलेट रहेगा, वेरेज इसके अंदर पैरेलल वेनेशन है, इसके जो वीनलेट्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल रन करते हैं। तो लीव्स का सरफेस, लीव को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या है और पैरेलल वेनेशन क्या है, उसके बेसिस पे डाइकॉट और मोनोकॉट को आप इजीली आइडेंटिफाई और डिस्टिंक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये अब लीफ का मैंने डिफरेंसेस बता दिया, अब लीफ के बाद में नेक्स्ट हमारा बचता है फ्लावर। ये लीफ हो गया, लीफ के बाद नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे बेटा वो है फ्लावर। फ्लावर को देख के भी आप बता सकते हो कि ये मोनोकॉट है या फिर डाइकॉट है। कैसे पता लगाओगे फ्लावर से? फ्लावर अगर डाइकॉट का है तो डाइकॉट फ्लावर में आपको एक दो तीन और चार या तो ऐसा फ्लावर दिखेगा या फिर एक दो तीन चार पाँच या फिर आपको फ्लावर ऐसा दिखेगा, ओके। ऐसा दिखेगा मतलब जो मैंने गिनती की ना एक दो तीन चार पाँच, ये उसकी पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियाँ पेटल्स जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। तो पेटल्स अगर चार की गिनती में है देन इट विल बी कॉल्ड एज इट विल बी अ डाइकॉट। चार या पांच रहेगा तो डाइकॉट, या मल्टीपल्स इसके इससे ज़्यादा तो डाइकॉट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। और अगर मोनोकॉट फ्लावर है तो मोनोकॉट के केस में इसके पास सिर्फ तीन पंखुड़ियाँ आपको दिखेंगी लाइक दिस, ओके, थ्री पेटल्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज मोनोकॉट फ्लावर। या तो तीन हो सकता है या पॉसिबिलिटी है तीन का मल्टीपल, थ्री वन जा थ्री, या किसी प्लांट में किसी मोनोकॉट प्लांट में थ्री टू जा सिक्स पेटल्स मिलेंगे या थ्री थ्री जा नाइन पेटल्स मिलेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो गए फ्लावर के बेसिस पे ही मैंने आपको बता दिया और लीफ के बेसिस पे भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पे एक टर्म टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, दिया ही रहेगा, चार पंखुड़ी है ना, तो चार पंखुड़ी वाले को हम बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब चार, ओके, लिख देता हूं वो भी मोनो, ओके। मोनो मतलब वन, डाई और बाय का मतलब, डाई बाय नहीं है, डाई और बाय का मतलब टू, देन नेक्स्ट ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, नेक्स्ट टेट्रा इसका मतलब फोर, नेक्स्ट पेंटा इसका मतलब फाइव, उसके आगे जाने दीजिए बहुत लंबा है उसके आगे, ठीक है। तो इसमें अपना काम हो जाता है, तो इसमें चार पेटल्स है सो आई विल कॉल इट एज टेट्रा मेरस। इसमें पांच है तो मैं इसको बोलूंगा पेंटामेरस, ठीक है। इसमें तीन है तो तीन के लिए ट्राई वर्ड होता है ना, तो ट्राइमेरस, इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर बेटा खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर सेक्शन अगर टाइम मिला तो मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे रिकॉर्ड्स करने का बाकी है, तो अगर टाइम मिला तो इसका क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इफ़ यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र बोर्ड तो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बेटा ये सारी चीज़ें हम जैसे कि ये चैप्टर लिया है, ऐसे और भी चैप्टर्स अगर आपको ज्वाइन करने, क्योंकि हर एक चीज़ तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड
आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हो, क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर नहीं सकते हो, घर में ही रहिए, बैठे बैठे लेक्चर्स आप हमारे लाइव सुन सकते हो, ठीक है। वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट्स, साइंस वन, साइंस टू, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सारी चीज़ की क्लासेस अवेलेबल है ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन अवेलेबल है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक और इसके बाद भी कंटिन्यू होने वाला है। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है फॉर 10th स्टैंडर्ड, दे आर गेटिंग बेनिफिट। ओके, 9th का बेस स्ट्रॉन्ग करिए, 9th के बेसिस पे ही आपका 10th स्टैंडर्ड बिल्ड होने वाला है। ओके, तो आप अगर कहीं ट्यूशंस के लिए सोच रहे हो, कोचिंग्स के लिए सोच रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग्स यू कैन ज्वाइन एट अवर कासिम्स एकेडमी। ओके, चलिए तो यहाँ पे बेटा चैप्टर एंड होता है एंड आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियोज ऑन अनदर चैप्टर। बाय द टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।